हेलो फ्रेंड्स, कुमारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस मेरे पास आया है फ़ोन पोको M6 Pro जो बिल्कुल नया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट मैंने खोला हुआ है तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है एंड इसमें ईमेल आई डी मांग रहा है। तो हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि मेरे पास ये बिल्कुल नया फ़ोन है, अभी तक मैंने सिम लगाया नहीं है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया, प्ले स्टोर में खोलता हूँ, साइन इन पर क्लिक किया तो चेक इन पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है तो हमें ईमेल आईडी बनाने का ऑप्शन आएगा। अगर इसमें वर्क अकाउंट मांगता है तो हमको ईमेल आईडी कहीं और से बनाकर तब इसमें डालना पड़ेगा। अगर वर्क अकाउंट नहीं मांगता है, साइन इन का ऑप्शन आता है, तो अगर साइन इन का ऑप्शन आ गया तो इसमें नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा। क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, पहले से कोई आईडी तो इसमें डाल सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क, फॉर माई बिजनेस। तो इसमें फॉर माई पर्सनल यूज पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं कोई नाम डाल देता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं रहेगी। ये है आपको एजुकेशनल के पर्पज़ के तौर पर हम आपको ईमेल आईडी बनाकर दिखा रहे हैं। इस जो नाम हम डाल रहे हैं किसी व्यक्ति से इसका कोई संपर्क नहीं है। यहाँ पर हम जन्मतिथि डाल लेते हैं, मैंने बना दिया ऐसे, और यहाँ पर जेंडर मैंने मेल डाल दिया और कर लिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कोई ईमेल आईडी हमें बनाना है, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ रमेश जी यादव एंड यहाँ पर करते हैं। देखिए कोई ईमेल आईडी हमें मिल गई है। सिंपल क्या करना है, इसका पासवर्ड बना लेना है। तो आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है जैसे मैं बनाता हूँ रमेश ऐसे, अब उसके आगे आप कुछ स्पेशल करेक्टर जोड़ के, जैसे एक जीरेट आप लगा के 1 2 3 4 चाहे कुछ भी, चाहे हज लगा के कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं जीरेट आप लगा के इसके आगे कुछ लगा दूंगा। तो हमारा जो कि पासवर्ड बनाते समय क्रैश हो गया फ़ोन था, तो हम फिर से बनाएंगे रमेश जी यादव, और इस बार हमने नया यूजर लेना पड़ा है। तो सिंपली कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसका पासवर्ड बना लूँगा। मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड मैंने बना लिया, सिंपली कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ईमेल आईडी हमको मिल गई है, ये एडमिन कर लेना है, ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने पर हमें आई एग्री कर लेना है। यहाँ पर गूगल सर्विस आ गया, सिंपली एक्सेप्ट कर देना है, और आप देख सकते हैं कि हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। अब इसमें से फेसबुक व्हाट्सएप जो भी डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोड हो रहा है, तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप लोड हो गया, ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।